बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम सुनने और देखने वाले अजीज दोस्त अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम दो अहम तरीन मुलाकातों पे बातचीत करेंगे। पहली मुलाकात जिस पे हम बातचीत करेंगे वो है 5 दिसंबर को रशिया के सदर और अमेरिका की सदर की वर्चुअली मुलाकात थी। रशिया के वाले से बातचीत हुई। इसके साथ साथ हम एक और अहम तरीन जो मीटिंग हुई है रशिया के सदर की और चाइना के सदर की 15 दिसंबर को, उस हवाले से रशिया के सदर को एक कहा गया कि अगर आप हमला आवर हुए यूक्रेन पर तो आप पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। सर बताइएगा कि वाकई रशिया इस हवाले से कोई प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन पे हमला आवर होने की? नहीं, इट इज ऑल प्रोपेगेंडा कंजम्पशन। याद होगा कि आज से महीना पहले हमने एक शो किया था जिस वक्त बाइडेन और जी की मुलाकात हुई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त रशियन जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है अगेंस्ट चाइना एंड रशिया, उसे हम कह सकते हैं कि वो इस्लामी स्लाइसिंग की है कि पतले पतले स्लाइसेस काटे जा रहे हैं। अच्छा, इससे मैंने आपको डिफाइन किया था, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे एडवांस कर रहे हैं और कुरेद रहे हैं चाइना और रशिया की जो रेड लाइन है। अभी जो बात आगे चलाने से पहले मैं बताता चलूं कि जब ये सोवियत यूनियन टूटा था तो मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिकन के दरमियान, नेटो के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी जिनके मुताबिक जो है अमेरिकन जो हैं वो एडवांस नहीं करेंगे। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं या जो पहले किसी ज़माने में अंडर इन्फ्लुएंस था रशिया के, उन एरियाज़ के अंदर। लेकिन हमने देखा कि इस अंडरस्टैंडिंग की धज्जियां अमेरिकन ने हमेशा उड़ाई। जॉर्जिया का मामला आपके सामने है और अभी भी जब यूक्रेन के ऊपर हमले की बात हो रही है तो अमेरिकन ये नहीं बताते के जो रशियन फॉरवर्ड बेसिस हैं यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर अंदर हैं, यानी कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से अमेरिकन जो रशियन हैं वो 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। नंबर टू बात ये है कि जंग की बात तो यही कर रहा है अमेरिका और नेटो ही कर रहा है, और उनकी एक मैं आला मिसाल दूंगा कि इस वक्त ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो यूक्रेन में बैठे हुए हैं और उन्हें पता है कि रशिया की कुछ रेड लाइंस हैं, रशिया नहीं पसंद कर रहा। और उसमें मैं बताता चलूं कि रशिया ने कुछ गारंटीज भी मांगी हैं, लीगल गारंटीज, कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकन ईस्ट की साइड पे भी जा रहे हैं जो रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है, वहां पर भी आप मिसाइल डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। इसी तरीके से नेटो के अंदर यूक्रेन को लाने की भी बात हो रही है। और एक और जो इम्पोर्टेंट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो, कि ये 1-to-1 मीटिंग होनी थी बाइडेन की और प्यूटिन की, और उसमें जो अखबारात में और खबरों के अंदर आया, इवन जो प्यूटिन का ट्रांसलेटर था उसे अलग कमरे में बिठाया गया था ताकि एक सैंक्टिटी जो है वो रहे। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जब तस्वीरें व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हुई, जो हमने देखा व्हाइट हाउस ने जो कुछ किया कि उसी कमरे के अंदर जैक सेल्वियन अमेरिकन एनएसए भी बैठा हुआ था, उसी के अंदर ब्लिंकन भी बैठा हुआ था उस कमरे के अंदर, और 5-6 लोग वहां पे मौजूद थे, जिसे पता चल रहा था कि जो इस दफा प्यूटन अंडर एस्टिमेट कर गया बाइडेन को, और बाइडेन जो है वो एक स्टेप आगे था कि उसने अपनी पूरी फौज बिठाई हुई थी जबकि प्यूटन एक साइड पे था। अब प्यूटन इस वक्त जो रशिया की जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं या जेन्युइन जो कुछ तहफुजात उनको एड्रेस करने के बजाय जो अमेरिका है वो सख्त रोल जो है ना सख्त तरीके से निपटने का इंप्रेशन दे रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ अर्से पहले जब एक पोल हुआ था तो पता चला था कि 26% बाइडेन की रेटिंग है। लेकिन अब जो लेटेस्ट ABC न्यूज ने जो पोल किया है उसके मुताबिक ये रेटिंग 26 से 15% पे आ चुकी है, और खास तौर पे अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के का तो बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और इसी वजह से अब बाइडेन जो है वही सियासत खेल रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र मोदी खेलता है कि जब गिर रही है तो ही इज प्लेइंग टफ ऑन रशिया। ठीक है, अब जब ये मीटिंग हुई उसमें प्यूटन ने अपने तहफुजात बताए, और उसके बाद जो जैक सेल्वियन जो NSA है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया कि क्या क्या बात हुई है, उसमें हमें एक अमेरिकन तो स्टैंड पॉइंट नजर आया कि वो बहुत अग्रेसिव है, और उसमें यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई अदब से प्यूटन का नाम नहीं लिया गया, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त रशिया और जो अमेरिका के दरमियान चल रहा है ऐसे लग रहा है कि जो प्यूटन है उसकी इंक्वेस्टन यानी कि उसका एहतसाब करने की कोशिश कर रहा है और उसको कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो रशियन
सर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने रेड लाइंस की बात की तो मेरे जहन में एक बात याद आई अभी कि सदर बाइडेन ने कहा कि जी रेड लाइन, मैं उस रेड लाइन को नहीं मानता, लेकिन वो रशिया की रेड लाइन है, पुटिन की वो रेड लाइन है, उसमें रेड लाइन की पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब लेकिन गालिबन अमेरिका उस रेड लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर अगर वो अगर देखा जाए अगर वो रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है? देखो रशिया के पास आप रशिया के पास ऑप्शन क्या छोड़े जा रहे हैं कि वो रिटेलिएट करे, और अमेरिका इस वक्त सही कोर्सिव डिप्लोमेसी कर रहा है, सही प्रेशर डाल रहा है, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट तो होगा ना जहाँ पे रशिया भी रिटेलिएट करेगा, और रशिया रिटेलिएट करेगा तो यूरोप के अंदर जंग भी होगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया को दबाने की कोशिश की है, मसलन नॉर्डोम स्ट्रीम 2 जो है उस पर आप अमेरिकन कह रहे हैं कि अगर रशिया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसे हमारी बातों को मानना पड़ेगा, तो रशिया तो अपने कोर इंटरेस्ट पे तो कोई भी नहीं करेगा। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि कुछ दिन पहले नेटो ने और अमेरिकन ने कुछ हफ्ते पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है जिसमें वो 20 किलोमीटर करीब तक आए रशियन जो बॉर्डर के, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनकी डिलीवरी के हवाले से एक्सरसाइज थी। तो ये एक बड़ा सख्त किस्म का सिग्नल था जो रशिया को दिया गया। उसके आपने देखा कि जब ये हुआ तो हमने पिछले उस जिस प्रोग्राम का मैंने पहले जिक्र किया था जो बाइडेन जी मुलाकात पे हमने किया था, तो उस पर मैंने कहा था कि रशिया और चाइना को बेसिकली अमेरिकन जो है खुद फोर्स कर रहे हैं करीब होने की, और मेरी ये बात इतना भी सच साबित हुई कि आपको पता है उसके बाद जो है प्यूटन और जी की बात हुई। और जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर अमेरिकन एक फ्रिगेट जो है उसने स्टेट ऑफ ताइवान जो है उसको उसके अंदर इंक्रोचमेंट की थी, जिसके ऊपर चाइना की तरफ से बड़ा सख्त बात जो है बयान सामने आए थे। तो इस दफा हमने देखा कि यूक्रेन के हवाले से अमेरिकन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना है, लेकिन 3 बड़े ममालिक जो उनके कमांडोज वहां पे कर दिए गए हैं, डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो जी और इसकी मुलाकात जो है प्यूटन की जो मुशावरत हुई ये तकरीबन 1.5 महीना पहले जो हमने देखा था कि डिफेंस मिनिस्टर दोनों ममालिक के जो है उनके दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अभी भी जी ने और दोनों की तरफ से यही कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ देंगे और एक दूसरे के साथ निभाएंगे, यानी कि वेस्ट को ये सिग्नल दिया गया है, क्योंकि यूरोप ये समझ रहा था, अमेरिकन की असेसमेंट ये थी कि हम जी जो है इस मामले में पीछे रहेंगे, लेकिन चाइना पीछे नहीं रहा। चाइना ने चाइना की भी एक तारीख है, आपको पता है कि अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। ऊपर से ये जो G7 का समिट हुआ ना, इसके ऊपर भी अमेरिका ने गेम खेलने की कोशिश की कि पहली दफा आसियान को भी इसके अंदर मधु किया गया, और आप जानते हो कि आसियान के अंदर चाइना और रशिया दोनों का बड़ा इन्फ्लुएंस है। BRI की तरफ आप देख लें या फिर वियतनाम बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है रशिया के, उससे ताल्लुकात देख लें। तो अमेरिका का जहां पे G7 की तरफ से रशिया के अगेंस्ट सख्त बयान आया, वहां पे एक ये भी बयान चाइना को दिया गया कि अगर आप साथ चलते हो तो हम आपके एरिए के अंदर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाइडेन जो है उसकी ख्वाहिश और जो उनके जहन एक जैसा जहन रखते हैं, वो जिस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो कोल्ड वॉर हमने देखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये कोल्ड वॉर उससे ज्यादा शदीद तरीन होगी, क्योंकि अब जो सुनने में आ रहा है कि अलग बैंकिंग सिस्टम की भी बात की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का उसके ऊपर अमेरिका तो छाया हुआ है, खासतौर पर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद डॉलर जो है डॉलर की मजबूती अमेरिका की मजबूती है। तो चाइना और जो रशिया है वो पहले भी एक दूसरे के साथ ट्रेड तो खैर अपनी करेंसीज में कर रहे थे, लेकिन अब शायद अमेरिकन इस डोमिनेंस को तोड़ने के इनको ये तरीका ये समझ आया है कि हमें एक इस मौजूदा बैंकिंग सिस्टम मौजूदा जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम इसके मुकाबले में कुछ लाना पड़ेगा। सर दूसरे लफ्जों में क्या हम कोई इकोनॉमिक ब्लॉक देख रहे हैं जिसकी मेजबानी जो है रशिया और चाइना कर रहे होंगे? तो अब बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमिकली अपनी इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जबकि हम चाइना को देख रहे हैं कि चाइना डेवलपमेंट में मदद भी कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मुल्क के ऊपर उसने अपना कल्चर और अपनी जो वैल्यूज जो हैं वो फोर्स करने की कोशिश की है। इसी तरीके से रशिया को देख लें, इनके बारे में एक जो है इमेज ये बना दिए कि बड़े ब्रूटल हैं, लेकिन आप देखें कि रशिया जो है अपने मुल्क के बाहर उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरीके से अमेरिका जा रहा है। अमेरिका की तारीख उठा के देख लें, कोल्ड वॉर के बाद से दुनिया के अंदर भी अक्सरियत ऐसे ममालिक की है जो समझते हैं
कि अमेरिका का दोस्त बन के भी नुकसान है, दुश्मन बन के कम नुकसान है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन इसको के चाइनीज हैं, जो बेलॉस होके पूरी दुनिया में मदद कर रहे हैं जहां पे उनकी मदद की किसी को जरूरत है। अच्छा सर, अगर सैंक्शंस लगती हैं रशिया पे, हम जरा आखिर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इन मिडल आपने बातचीत कर दी है शी और बाइडेन की, सॉरी शी और प्यूटिन की मुलाकात के बारे में भी। लेकिन सर जरा ये बताइएगा कि अगर रशिया पे लगती हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, और इसके अलावा अगर ये भी देखा जाए तो शी और प्यूटिन की मुलाकात के अंदर ये भी बातचीत हुई है कि अब अपना इंडिपेंडेंट कोई फाइनेंशियल जो है स्ट्रक्चर बनाया जाए, इस हवाले से बातचीत की गई है। तो सर अगर लग जाती है इकोनॉमिक सैंक्शंस तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें, इराक तो है नहीं ये, ठीक है, ना ही जो है वो ईरान है। रशिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया के बड़े मुल्कों में से है, दूसरा एक जमाने की वो सुपर पावर है, ठीक है, इकोनॉमी उसकी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसके साथ चाइना भी है। और जब चाइना को ये समझ आ गई है, रशिया को ये समझ आ गई है कि दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ ही सर्वाइवल है, तो बहुत से ऑप्शन होंगे। और मैं समझता हूँ कि कभी भी वेस्ट ये इस तरह की कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश नहीं करेगा जो रशियन रिजॉल्व को और सर आपसे मैं बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा इस वक्त। सर आखिरी सवाल यह है कि चाइना और रशिया ने जो है एक दूसरे को ये यकीन दहानी करवाई है कि दोनों एक साथ मिलके जो है मुकाबला करेंगे वेस्ट का जो भी हमें मसले मसाइल है उनके साथ। लेकिन सर क्या आप ये नहीं देख रहे कि खिता जो है आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर थ्री की जाने में जा रहा है? क्या मेरी ये बात ठीक है? ये तो यार हम पिछले साल से डिस्कस कर रहे हैं, अगर याद हो तो उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम है, चाइना ताकत पकड़ चुका है। उस जमाने में चाइना की जगह आप जर्मनी को रख लो, और ब्रिटेन जो है उसकी ताकत इकोनॉमिक वो जो रीच है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। तो इसी तरीके से आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका एक बार बार हम डिस्कस करते रहे हैं सुसाइड ट्रैप जो है, अमेरिकन ने अपने आप को इस ट्रैप में फंसा लिया है। लेकिन अमेरिका एक पुरानी सुपर पावर है और एक जवान सुपर पावर जो है वो चाइना है, और रशिया जो है वो एक तजर्बाकार सुपर पावर है। तो लग तो यही रहा है कि अगर कोई डिप्लॉयमेंट होती है मिसाइलों की ईस्टर्न यूरोप के अंदर और ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश करता है नेटो या अमेरिकन जो हैं, तो रशियंस जो हैं वो उसको रिटेलिएट तो करेंगे, वो भी एस्केलेशन लैडर जिसे कहते हैं उसे क्लाइम करेंगे। और यहाँ पे खतरनाक बात होगी कि थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लेके आ सकती है, खासतौर पे यूरोप के अंदर, और यूरोप से ये शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है जाहिर बात है पूरी दुनिया को फिर जो है उस पे असर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खसूसी वक्त इंटरव्यू के लिए अपने और अपने प्यार रखिएगा।